पूर्वांचल का पुष्पक विमान काशी से कटरा तक उड़ान। जी हाँ, कुछ वक्त पहले तक धर्मनगरी काशी से वैष्णो देवी की यात्रा के लिए जाना आसान नहीं था। जहां पर ट्रेन में कई घंटों का वक्त लगता था, वहीं डायरेक्ट फ्लाइट नहीं होने की वजह से काफी वक्त जाया हुआ करता था। लेकिन अब वाराणसी से वैष्णो देवी धाम के लिए उड़ान की शुरुआत हो चुकी है, जो पूर्वांचल के उन लोगों के लिए किसी तोहफे से कम नहीं है जो वैष्णो देवी के दर्शन के लिए जाना चाहते हैं। पूर्वांचल का पुष्पक विमान काशी से कटरा तक उड़ान। वैष्णो देवी के दर्शन हुए आसान। 25 घंटे की दूरी 2 घंटे में होगी पूरी। चलो बुलावा आया है, चलो बुलावा आया है, माता ने बुलाया है। बाबा भोलेनाथ की नगरी काशी से कटरा की पहली उड़ान के साथ ही पूर्वांचल के उन तमाम भक्तों का सपना पूरा हो गया है जो लंबे समय से वाराणसी से कटरा की फ्लाइट का इंतजार कर रहे थे। अब बात आगरा के मशहूर राम बाबू पराठे की, जो किसी पहचान का मोहताज नहीं है, क्योंकि उत्सव कोई भी हो राम बाबू पराठा पहली पसंद होता है। लेकिन करोड़ों के कारोबार की मालकिन दर दर भटक रही है, क्योंकि जिन राम बाबू ने 1950 में इस राम बाबू पराठे की स्थापना की, उनकी मौत के बाद उसके छोटे भाई ने सारा व्यापार हड़प लिया। राम बाबू की पत्नी पिछले कई सालों से दर बदर भटक रही हैं, अपने हक के लिए इंसाफ की गुहार लगा रही हैं। अगर कभी आगरा गए हो और आपने राम बाबू का पराठा खाया हो तो ये रिपोर्ट देखिए और समझ जाइए कि वक्त क्या क्या दिखाता है। आगरा का रामबाबू पराठा किसी पहचान का मोहताज नहीं। बच्चों की पार्टी हो, शादी की सालगिरह हो, रामबाबू का पराठा सबकी पहली पसंद होता है। जिस तरह आगरा का पंक्षी पेठा पूरे देश में प्रसिद्ध है, जिस तरह ताजमहल का नाम पूरी दुनिया में मशहूर है, ठीक उसी तरह रामबाबू का पराठा हर दिल के लिए अजीज है। शायद ही कोई ऐसा हो जिसने कभी रामबाबू के पराठे आगरा में रहकर ना खाए हो। लेकिन किस्मत का खेल देखिए, जिसके नाम से फर्म चल रही है, आज उसकी पत्नी और बेटा दर दर की ठोकरें खाने को मजबूर है। देवर ने कब्जा कर लिया, हमें कुछ नहीं दिया। देवर साल भर निकाल के रख के निकाल दिया। लड़की 7 महीने की थी, लड़का 3 साल का था, तब से निकाल दिया। वो चौको बर्तन करके बच्चे पाले। अब तो भगवान भिखारी जैसे भी जा रहा है, हालत खराब है मेरी। ये अर्श से फर्श की वो कहानी है जिसे सुनकर हर कोई हैरान है, क्योंकि रामबाबू पराठा एक ब्रांड है जिसकी शुरुआत 1950 में स्वर्गीय रामबाबू ने की थी। आज आगरा से लेकर मथुरा, वृंदावन और दिल्ली NCR तक में इसकी ब्रांच है। लेकिन सबसे पुरानी और सबसे फेमस दुकान आगरा के बेलनगंज में है। यहाँ रेस्टोरेंट में स्वर्गीय रामबाबू की फोटो लगी है, जिनकी तस्वीर पर रोज धूप बत्ती और अगरबत्ती जलाई जाती है। लेकिन जिस रामबाबू की पूजा होती है, उनकी पत्नी और बेटा पाई पाई को मोहताज है। रामबाबू की पत्नी सावित्री देवी का आरोप है कि 1983 में उनके पति की मौत के बाद उनके देवर ने पूरा व्यापार हड़प लिया और उनको और उनके बच्चों को दर दर के लिए भटकने के लिए छोड़ दिया। रामबाबू के पराठे एक बहुत बड़ा नाम आगरा शहर में पराठे के नाम से ये ब्रांड एस्टेब्लिश है। साल 1930 से रामबाबू के पराठे कहा जाए आगरा की जुबां पर चढ़ा हुआ, आगरा के लोगों की जुबां पर चढ़ा हुआ है। पत्नी की जो मुफलिसी की हालत में जो वीडियो सामने आई है, उसके बाद उनके परिवार पर सवाल खड़े हो रहे हैं। परिजनों का कहना है कि टॉपर जब उनके गुजर जाने के बाद जिस तरह से जो परिवार में प्रॉपर्टी का जो बंटवारा होता है वो किया गया, और ऐसे में जो भी आरोप लगाए जा रहे हैं उनकी पत्नी की तरफ से पूरी तरह से निराधार हैं। ये परिवार करोड़ों की संपत्ति का मालिक होने के बावजूद आज गुमनामी के अंधेरे में बेबस नजर आता है। गरीबी का आलम यह है कि बेटे का पैर टूट जाने के चलते SN मेडिकल कॉलेज में इलाज तो करा रही हैं, लेकिन सरकारी खर्च पर बेटे का ऑपरेशन हो जाए इतनी रकम भी रामबाबू की पत्नी सावित्री के पास नहीं बची।
तो लड़का सही हो जाए, इलाज हो जाए, मदद चाहिए, रहने के लिए जगह चाहिए। कुछ भी नहीं है आपके पास? वो नहीं है, कुछ भी नहीं है। आप समझ सकते हैं उनको, ये भी इसका भी जानकारी नहीं है कितनी साल उम्र हो चुकी है, 60 साल से ज्यादा की उम्र हो चुकी है। तो ऐसे में आप समझ सकते हैं कि किस तरीके से ये जो कहा जाए बहुत ही दयनीय स्थिति है। जिस रेस्टोरेंट में हर रोज सैकड़ों लोग पराठा खाने आते हैं, उसके संस्थापक की पत्नी दाने दाने के लिए मोहताज है। उसके पास न ठीक से खाने के लिए पैसा है, न बच्चे के इलाज के लिए पैसा। जिसका रेस्टोरेंट आज ब्रांड बन गया है, वो पिछले 3 सालों से अपने बेटे के साथ किराए के मकान में रहती हैं और अब अपने हक के लिए न्याय की गुहार लगा रही हैं। हालांकि इसको लेकर राज्य महिला आयोग ने आगरा जिलाधिकारी प्रभु नारायण सिंह को नोटिस जारी कर संज्ञान लेने की बात जरूर कही, लेकिन जिलाधिकारी प्रभु नारायण का कहना है कि उन्हें राज्य महिला आयोग से कोई नोटिस ही नहीं मिला। अब मुद्दे की बात यह है कि क्या करोड़ों की मालकिन को उसका हक मिलेगा? आखिर कब तक वो दर दर की ठोकर खाती रहेगी? आगरा से नितिन उपाध्याय, ABP गंगा।